पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा निपुरली आश्रम ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और लोहिया मानव कल्याण जो दोनों ट्रस्ट मिलकर काम कार्य करा रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार का भव्य कार्यक्रम 3 दिवसीय होने जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा रखी गई है। कलश यात्रा महाकालेश्वर मंदिर नया मुरादाबाद से शुभारम्भ होगी और कथा स्थल पर सम्पन्न होगी। 18 तारीख को 2 बजे से हनुमत कथा होने जा रही है। 19 तारीख को भव्य दरबार जो महाराज जी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा लगेगा वो 19 तारीख को प्रातः 9 बजे से और 2 बजे तक लगेगा। 19 तारीख को भी कार्यक्रम ऐसे हनुमत कथा 2 बजे से शाम तक रहेगी। 20 तारीख को भी इसी कार्यक्रम के अनुसार 20 तारीख को 2 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। हनुमत कथा का जो कार्यक्रम चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार हमारे महानगर मुरादाबाद में चल रहा है। बड़ा उत्साह इस मुरादाबाद के अंदर महानगर के अंदर पूरे जिले के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे यहाँ भक्त आए हुए हैं। माताएँ बहनें हमारी बहुत आई हुई हैं। सबको व्यवस्था सब सुचारू रूप से चल रही है और बड़ी व्यवस्था को देखते हुए सब हमारे सेवादार बड़े धूमधाम से लगे हुए हैं। उन सबका बहुत बहुत आभार है। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। 11:30 से कलश यात्रा का शुभारंभ है और इसमें कलश वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग मिल गया है। कुछ लोग अव्यवस्थित करने का प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें भी अपना प्रोग्राम समझ के अव्यवस्था को नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा, 3 दिन तक का जो कार्यक्रम रहेगा उसके लिए क्या संदेश देंगे, कैसा कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, बाबा का कार्यक्रम जो भी होता है विराट होता है और ये हनुमान जी की कृपा है जो कि इस विराटता को प्रदान करती है और आशा है कि हमारा जो भी कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलेगा और सभी कार्यकर्ता हमारे जितने भी हैं वो सभी इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे और कोई अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, बाबा नीम करौली आश्रम से बोल रहा हूँ। ये एक कलश यात्रा का भव्य प्रोग्राम रखा गया है। इसमें 1500 कलशों की व्यवस्था हमने करी है। महिलाओं में बहुत उत्साह है, कलश महिलाएं अपने घर सर भी लेकर आ रही हैं, उसके बावजूद भी कलश पूरे नहीं हो पा रहे हैं और बाबा का प्रोग्राम 18, 19, 20 तारीख को नए मुरादाबाद महाकालेश्वर धाम के नज़दीक सेक्टर 6 में होने जा रहा है। 18 तारीख से राम कथा का प्रोग्राम रहेगा, 19 तारीख को भव्य दरबार लगेगा और 20 तारीख को कथा का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन रखा गया है। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आएं, धर्म लाभ कमाएं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सनातन धर्म में अपनी आस्था बनाए रखें। जय श्री राम। गुप्ता, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को, क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज कलश यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है जो महाकालेश्वर से शुरू होके कथा स्थल तक जाएगा। कितनी महिलाएं शामिल होंगी? 1500 करीब महिलाएं होंगी इसमें शामिल। क्या कहेंगे, 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या? 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। श्री राम जी की यहाँ पे गूंज होगी, श्री बागेश्वर धाम वाले सरकार यहाँ पे आएंगे। और क्या मुरादाबाद के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? ये सभी लोग आए आके अब भगवान का गुणगान करें और अब जो भी है उनका श्रद्धा मत, जो भी भगवान उनके जो भी आदर्श बताएंगे उनके ऊपर चलें, यही हो सब होगा। क्या कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसके बाद में 3 दिन तक क्या कार्यक्रम चलेगा? सबसे पहले आज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है जिसमें हम मतलब कलश यात्रा निकाली जा रही है मुरादाबाद की महिलाओं द्वारा और उसके बाद 3 दिवसीय प्रोग्राम का शुभारंभ 18, 19, 20 से होगा जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और बाबा के वचनों का लाभ कमाएं। इसके अलावा क्या संदेश देना चाहेंगे मुरादाबाद की जनता के लिए, क्या मैसेज करेंगे उनसे? बस आप लोगों की अच्छी भावना से ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, श्री रामचंद्र जी भगवान की कृपा से जो हनुमान स्वरूप बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पधार रहे हैं, बस उनका अधिक से अधिक संख्या में स्वागत करें और उनको सहयोग करें।
मेरा नाम शुभम भारद्वाज। अच्छा बताइए क्या कार्यक्रम आज किया जा रहा है, कैसा कार्यक्रम? आज आप जान रहे हैं कि देवेंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं मुरादाबाद, उनकी हनुमत कथा हो रही है मुरादाबाद में होने जा रही है, उसी उपलक्ष्य में आज बताऊँ कलश यात्रा का आयोजन किया गया है माँ कालेश्वर मंदिर से लेकर कथा स्थल तक। ये पूरा 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा और पहले दिन रहेंगे तो हनुमत कथा होगी 2 बजे से लेकर प्रभुच्छा तक, फिर 19 तारीख को 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा, फिर 3 बजे से लेकर प्रभुच्छा तक कथा चलेगी हनुमत कथा होगी, फिर 20 तारीख को 2 बजे से लेकर शाम प्रभुच्छा तक विराम हो जाए कथा। क्या बस हम तो ये संदेश देना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आता हूँ श्रद्धालु आए, आशीर्वाद लें, आशीर्वाद प्राप्त करें, बागेश्वर धाम की सरकार की विजय हो, बस ये कहना चाहिए। महानगर का अद्भुत कार्यक्रम है ये, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आ रहे हैं जो कि मुरादाबाद के लिए एक सौभाग्य की बात है। बजरंग बली भगवान के अनन्य भक्त, हमारे देश के सबसे बड़े संत, जिन्होंने आज अपने पूरे भारतवर्ष को हिंदू धर्म को जोड़ने का काम शुरू कर रखा है, ऐसे आचार्य जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनका ये कार्यक्रम यहाँ 3 दिन आयोजित किया जाएगा 18, 19, 20। बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, अपार जन समूह के आने का जो हमें लग रहा है उसकी वजह से हमने बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करी हैं, फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था रहती है जिसमें कोई परेशानी आए तो मैं सभी सनातनी धर्मियों से कहूँगा कि खुद अपने यहाँ के कार्यक्रम को संभालें और अपनी व्यवस्थाओं को खुद आकर संभाल कर इस कार्यक्रम को सफल बनवाएँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। कलश यात्रा महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद से शुरू होकर और धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा जहाँ होगी वहाँ पंडाल तक आई, भव्य कथा यात्रा थी और बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने हिस्सा लिया, बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। सनातन धर्म का आज विजयी होने का बहुत बोल लग रहा था। तो कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा निकली है? महाकालेश्वर धाम से और पंडाल तक जहाँ कथा होनी है कल से। और इसके बाद क्या कार्यक्रम है? इसके बाद अब कल 18 तारीख में पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी आ जाएंगे, कल 2 से 5 बजे तक उनका कथा रहेगी पंडाल में नया मुरादाबाद सेक्टर 6 में लोहिया वन में। उसके बाद 19 तारीख में दिव्य दरबार है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 20 में कथा का समापन है, 2 से 5 कथा है। क्या कहेंगे बस? मैं तो सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार दर्शन करने की जरूर आएँ, कथा सुनने के लिए आएँ और ऐसा भव्य दरबार अपने मुरादाबाद में होने जा रहा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सभी इसमें सहयोग करें, सभी सहयोग दें और आएँ, व्यवस्था बना के रखें, सभी वॉलेंटियर अपना सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। बहुत भव्य शोभा यात्रा रही, 3 दिवसीय कार्यक्रम है कल से 18, 19, 20 मार्च का, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम सरकार का रहेगा। 18 तारीख को कथा रहेगी 2 बजे से 6 बजे तक, 19 तारीख को दिव्य दरबार रहेगा 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक हनुमत कथा रहेगी और 20 मार्च को हनुमत कथा रहेगी 2 बजे से और शाम को 6 बजे तक। क्या कहेंगे? बहुत भव्य आयोजन रहेगा, बहुत भव्य कार्यक्रम, मुरादाबाद के वासियों को मतलब इसलिए बाबा को निमंत्रण किया गया है कि मुरादाबाद का कल्याण हो, मुरादाबाद की जनता का कल्याण हो, इसलिए बाबा को यहाँ बाबा आ रहे हैं और बाबा सबका कल्याण करेंगे। काफ़ी खुशी है, औरतें ढेर सारी आई हुई हैं, बहुत सारे एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, बस बाबा का नाम लेकर के आगे काम करते जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।